ओके सो लास्ट लेक्चर तक देखिएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें मैंने अभी तक आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उसके बाद जो भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के एप्लीकेशन है, रॉकेट प्रपल्शन, उसके बाद वाटर जेट प्रॉब्लम, उसके बाद मोशन ऑफ अ कनेक्टेड ब्लॉक्स, मोशन ऑफ अ कनेक्टेड ब्लॉक्स बाय स्ट्रिंग, तो ये सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर तक लिए हैं। आई होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। और लास्ट लेक्चर न्यू बीट मैंने मतलब उसके डेरिवेशन करके बताए थे, वो था पुली सिस्टम। पुली सिस्टम के अलग अलग जो अरेंजमेंट्स थे, मतलब वैसे देखा जाए तो पुली सिस्टम पर जितने चाहे उतने क्वेश्चन हम बना सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड जो पैटर्न होता है वो रिपीटेड पूछा जाता है आपको, तो वही रिपीटेड पैटर्न के बारे में हमने लास्ट लेक्चर डिस्कशन किया था। शॉर्ट ट्रिक से एक्सेलरेशन कैसे निकालना, फिर टेंशन कैसे निकालना, ये सब चीज़ें हमने मतलब देखे थे लास्ट लेक्चर। उन्हीं बीट्स पर कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, और उसके बाद न्यू सेक्शन की ओर हम प्रोसीड करते हैं। ओके तो आप देखिएगा, सबसे पहला एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको अब एक्सेलरेशन निकालना है। इन तीनों भी डायग्राम्स में जो भी आपको डायग्राम्स नजर आएंगे अभी, इन सभी डायग्राम्स में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। इज इट ओके? तो आप देखिएगा वो डायग्राम्स कैसे हैं। ये जनरल क्वेश्चन से बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसमें तीन की जगह दो डायग्राम आते हैं, और दोनों के एक्सेलरेशन को कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है, या फिर मतलब अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रेफरेंस में नजर आएगा। ये पहला एक पुली सिस्टम है जिसे मास एम कनेक्टेड है। ओके और इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2mg। ओके ये पहला डायग्राम है। फिर इसके बाद सेकंड डायग्राम रहेगा, वैसे ही एक पुली सिस्टम है जिसमें आपको इस साइड से m मास है, इस साइड से m मास है, और इस साइड से 2m मास रहेगा, और आपको इस कंडीशन में भी एक्सेलरेशन निकालना है इन बी केस। ये ए केस रहेगा मतलब फर्स्ट केस, ये बी केस रहेगा, और सी केस। यहां पर मास m रहेगा और यहां पर मास 2m रहेगा, सॉरी यहां पर भी m ही है, और इसके साथ इसके ऊपर फोर्स भी एक्ट हो रहा है, मास भी है और फोर्स भी है। F1 का F2 का वैल्यू यहाँ पर mg है। ओके यहाँ पर F1 है वो है 2mg। ओके तो ऐसे ये ए बी सी ऐसे तीन कंडीशंस दिए हैं, और इन तीनों कंडीशंस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। चलो फटाफट निकालो। पहले कंडीशन A1 में एक्सेलरेशन कितना आएगा, A में, B में कितना आएगा और C में कितना आएगा बताओ। ठीक है, पहले केस में निकाला है स्टूडेंट ने, सही आंसर है साक्षी। दूसरे केस और तीसरे केस में निकालो आप, सभी ट्राई कीजिएगा, वैसे मत बैठो। तीनों भी केसेस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। लास्ट लेक्चर जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताए थे उनका इस्तेमाल कीजिएगा और आंसर निकालिएगा। ठीक है, सेकंड केस G/3 करेक्ट है। नाउ प्रोसीड टुवर्ड थर्ड केस। कौन बताएगा आंसर, बताओ जल्दी से थर्ड वाला। G/2 राइट आंसर है। ओके पहले केस में एक्सेलरेशन G आएगा, दूसरे में G/3 आएगा, और तीसरे केस में G/2 आने वाला है। कैसे आएगा देखिएगा, एक्सेलरेशन A नथिंग बट क्या रहता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास रहेगा। सो नेट फोर्स कितना है देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन में 2mg है। ओके और टोटल मास कितना है, m प्लस मतलब सिर्फ m ही मास है, इस कारण देखिएगा अब, तो पहले कंडीशन में एक्सेलरेशन 2mg, हाँ बराबर है। देखिएगा नेट फोर्स जब हम निकालेंगे तो ये 2mg फोर्स इसे नीचे खींचने वाला है, और ये mg इसका जो वेट है ये इसके मोशन को अपोज करने वाला है। दैट्स व्हाई 2mg माइनस mg ये रहेगा फर्स्ट केस में नेट फोर्स। इज इट ओके? और टोटल मास से भी m है यहाँ पर। ओके F1 तो फोर्स है, वहां पर कुछ भी मास नहीं है, सिर्फ F1 फोर्स 2mg अप्लाई किया था, इस वजह से 2mg माइनस mg दैट इज mg बाय
यम आएगा, सो यम यम गेट कैंसल, फाइनली ए इज इक्वल टू जी आएगा, इज इट ओके? ये रहेगा फाइनल आंसर. अब बी केस में देखिएगा, 2m मास है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा 2mg, और इसके मोशन को mg अपोज करने वाला है, इस वजह से नेट फोर्स यहाँ पर 2mg माइनस mg आएगा, लेकिन मास कितना लेना पड़ेगा, 2m प्लस m, 3m. ओके, पिछले केस में एक ही मास था, इस वजह से नीचे m लिया था, इस केस में दो मासेस है, एक का मास 2m है, दूसरे का m है, इस वजह से रिजल्टेंट मास 3m आ गया, इज इट ओके? तो ऐसा ये बीट आ गया, इस वजह से सेकंड केस का आंसर आएगा m 2mg माइनस mg, दैट इज mg बाय 3m, और m m कैंसिल होगा, तो फाइनली आंसर आएगा g बाय 3, इज इट ओके? और फाइनली देखिएगा, इसमें अब फोर्स भी है और मास भी है, तो ये फोर्स mg है और इसका वेट भी mg, तो ये mg प्लस mg ये 2mg बन जाएगा, और mg उसको अपोज करने वाला इसका वेट, तो इस वजह से 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय m प्लस m 2m आएगा, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा g बाय 2, इज इट ओके? तीनों भी केसेस समझ में आ गए, ये तीन केसेस मतलब तीन क्वेश्चन आप समझ लो, ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पुलिस सिस्टम पर, ओके? नंबर ऑफ टाइम्स मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको निकालते आने चाहिए. इज इट ओके? आ गए समझ में सभी को? नाउ फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टेन केजी और सिक्स केजी यहां पर दो ब्लॉक्स हैं, इसमें एक्सेलरेशन निकालो, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा गया था. ओके, आई थिंक मुझे यही होगा लगता है, श्योर नहीं हो, लेकिन इसी टाइप का था, इतना तो पक्का पता है. ओके, बताओ एक्सेलरेशन ए क्या रहेगा इस सिस्टम का. जी बाय 4, ठीक है चलेगा, बाकी सभी स्टूडेंट निकालो आंसर अपना अपना. ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट का आ गया आंसर. देखिएगा, एक तरफ 10 केजी मास है, दूसरी तरफ 6 केजी मास है, तो नेट फोर्स क्या आएगा इनके वेट की वजह से जनरेट होने वाला है. 6 केजी पर मतलब कितना वेट जनरेट होगा, 60 न्यूटन, इज इट ओके? और 10 केजी पर 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन बड़ा है, इस कारण सिस्टम नीचे जाएगा और ये सिस्टम ऊपर जाएगा, तो 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6, दैट इज 16 आएगा. ओके, मतलब इन टर्म्स ऑफ जी अगर आप निकालते हो तो अलग आंसर रहेगा, ठीक है? आपने इन टर्म्स ऑफ जी निकाला है, तो बेटर वे में 10 माइनस 6 करता हूँ, 10 माइनस 6 इंटू जी. ओके, इन टर्म्स ऑफ जी आंसर निकालते इसका, तो 10 माइनस 6 इंटू जी डिवाइडेड बाय 16, मतलब 4 बाय 16 इंटू जी रहेगा. सो 4 वन जा 4, 4 4 जा 16, तो फाइनल आंसर आएगा जी बाय 4, इज इट ओके? आ गया समझ में? तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं. ओके, अभी इस सीरीज का एक एडवांस क्वेश्चन है, अगर मतलब इस पर अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कोई देना चाहता है इसी सिंपल पुलिस सिस्टम पर, तो फिर वो कैसा रहेगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पर. जस्ट वन मिनट, तो यहाँ पर मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, देखिएगा. मतलब इन्होंने वर्डिंग प्रॉब्लम दिया है, 3 इक्वल वेट्स ईच ऑफ मास 4 केजी आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स पुली एज शोन इन फिगर. तो मैं फिगर शो कर रहा हूँ,
इसमें हर एक जो मास नजर आ रहा है आपको, इस कुली सिस्टम को जो अटैच मास रहेगा, ये सभी मासेस, ये ए रहेगा, उसके बाद ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, ओके। तो ऐसे थ्री मासेस है और हर मास उनका क्या कहना है, इच मास इज ऑफ 4 kg, ओके। आर हैंगिंग ऑन अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फिक्स्ड पुली एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग वेट्स बी एंड सी, बी एंड सी के बीच का टेंशन आपको निकालना है। ये क्वेश्चन जिसे सॉल्व करते आएगा वो जरूर उसको सभी कंसेप्ट क्लियर इस टॉपिक के ऐसे कहा जाएगा। लास्ट लेक्चर भी आपको पता होगा, जाते जाते मैंने इसका डेरिवेशन आपको बताया था, तो जो यूज करना है लॉजिक वो यूज करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। इसके ऑप्शन भी दिए हैं, चलो फाइंड आउट करो जल्दी से। व्हाट इज द फाइनल आंसर इन दिस कंडीशन? वक्त लो लेकिन सही आंसर दो। ये सभी पॉइंट्स यहाँ 13.3, 26.6, 19.6, ठीक है, देखते हैं हम कुछ स्टोन के आ गए आंसर, बाकी सभी निकालो, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये, 4 kg, 4 kg, 4 kg के तीनों मासेस थे, ओके, और आपको निकालना है टेंशन बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। सबसे पहले आपको टेंशन निकालने से पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम का, ओके। इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आएगा, बी का और सी का मिलकर वेट नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, इज इट ओके? आप देखिएगा, लॉजिक लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पर सभी जो ऑप्शंस है वो न्यूटन में है, ओके, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जी नहीं है, इज इट ओके? मतलब नो डाउट टेंशन पूछा उन्होंने, लेकिन वो भी कभी केजी ऑफ या फिर केजी वेट में पूछा जा सकता है। अगर हमारा फाइनल आंसर केजी ऑफ या फिर केजी वेट में होता ना, तो फिर हमें जी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता, इज इट ओके? अल्टीमेटली आंसर आ जाता, ओके, लेकिन ये यहाँ पर न्यूटन में आंसर है, इस कारण आप डायरेक्टली जी का वैल्यू 10 लेकर इसको सॉल्व कर सकते हो। बी का भी वेट 4 kg आपको पता होगा, और सी का भी 4 kg है, और ए का भी 4 kg है, लेकिन बी और सी दोनों एक ही आर में होने के कारण ये सिस्टम नीचे जाएगा यहाँ से, तो ये ए ऊपर जाने वाला है, तो बी और सी के मोशन को ए का मोशन अपोज करने वाला है, तो ए का जो वेट है वो 40 newton है, और बी और सी का दोनों का भी 40 40 है, तो इन दोनों के 40 40 मिलाकर 80 हो जाएंगे, तो नेट एक्सेलरेशन ए क्या आएगा, 80 - 40 / 4+4+4, दैट इज 12, ओके। तो इसका आंसर आएगा 40/12, मतलब ही 4 3s and 4 10s, तो 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। खामोखा फ्रैक्शन में जाना नहीं, लास्ट स्टेप में फ्रैक्शन में सॉल्व करने का, अभी एक्सेलरेशन ऐसे रहने दो 10/3, अच्छा लगता है, ओके। और बाद में फिर हमें बी और सी के बीच में टेंशन निकालना है, आपको आप देखिएगा सी का एफ बी डी निकालना पड़ेगा, ओके, एटलीस्ट आपको यहाँ पर भी क्यों ना हो थोड़ा सा तो भी एफ बी डी निकालना पड़ेगा। ये बी और सी के बीच का जो टेंशन है टी, यही आपको निकालना है, इसका वेट 4 kg आपको पता होगा, ओके, इस वजह से 40 न्यूटन नीचे हैंग करने वाला है, और ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, इस वजह से यहाँ पर बताओ फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर फोर्स, 40 - t, क्योंकि एक्सेलरेशन का हेड नीचे है और नीचे के डायरेक्शन में जो वेट है वो 40 न्यूटन है, वो बड़ा है, इस वजह से ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, 40 - t इज इक्वल टू 4a, इज इट ओके? आ गए समझ में, उस ब्लॉक का मास 4 है, इस कारण 40 - t इज इक्वल टू 4a आएगा। अभी a का वैल्यू तो आपको पता है 10/3 है, तो ये आ जाएगा 40/3, 40 - t इज इक्वल टू 40/3, तो ये 40/3 उधर जाके माइनस होगा और ये t इधर जाके प्लस होगा, तो t का आंसर आएगा जो हमें लगने वाला है 40 - 40/3, मतलब ये आएगा 120 - 40/3, मतलब ये आएगा 80/3, मतलब ये आने वाला है 26.6 newton, इज इट ओके? तो ये रहेगा फाइनल आंसर, इज इट ओके?
तो इस लेवल के जवाब आपको आने चाहिए। ओके, तो ये आपको इस ब्लॉक डायग्राम के सभी कंसेप्ट क्लियर हैं, ऐसा इसका मीनिंग हो जाएगा। इज इट ओके? ये मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको कल बताया था, जब मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, तो उसके लास्ट जाते जाते मैंने आपको ये डेरिवेशन करवा के बताया था। उस वक्त मैंने डायरेक्ट एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने का आपको FBD के साथ फॉर्मूला दिया होगा। ये उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिससे आप ये बिट सॉल्व कर सकते हो। इज इट ओके? दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अब इनके ऊपर मतलब और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिलहाल के लेवल के लिए ठीक है। और एक क्वेश्चन मिल रहा है तो देखते हैं हम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? मतलब देखिएगा, मैं वक्त कम लगे इस वजह से डायरेक्ट आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इनके मतलब वर्डिंग में भी आपको दिए जाते हैं, वरना एग्जाम में आपको ऐसी आदत गिर जाएंगी कि डायग्राम देख कर आंसर निकालना, फिर एग्जाम में जो वर्डिंग नजर आएगा तो फिर आप डर जाओगे कि मतलब इसका आंसर कैसे निकालना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्ट यहाँ पर वक्त कम लग रहा है और ये सिंपल क्वेश्चन है, इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। डायरेक्टली आपको डायग्राम नजर, मतलब ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, इस वजह से सिर्फ डायग्राम पर ही फोकस कर रहा हूँ। आप इस डायग्राम में मुझे आंसर निकाल के दिखाओ, टोटल एक्सेलरेशन ए निकालना है आपको। ये ऐसा भी केस हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर डेरिवेशन में। तो ऐसे ये टू पुली सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये 3 kg है, ये 6 kg है और ये 1 kg है। सिर्फ आपको एक्सेलरेशन निकालना है। चलो फटाफट निकालो, 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। 1 kg, 6 kg एंड 3 kg, ऐसे 3 masses हैं जो कैसे अरेंज ये दिया है। जी का वैल्यू आपको बताया नहीं बताया तो भी 10 ही लेना पड़ेगा। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन लिखने से पहले तक आपका आंसर आना चाहिए। 0, 2 m/s² सी आंसर रहेगा, 4 m/s² और डी ऑप्शन रहेगा 3 m/s². ठीक है, अभी इस फॉर्म में आंसर बताओ। जी का वैल्यू आपको लेना है 10। ओके, तो आंसर क्या आएगा बोलो। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम मैंने लास्ट लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया था। अब यहां पर देखो, 3 kg जो मास है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा 30 N, और इसके मोशन को 1 kg का मोशन क्या करने वाला है, अपोज करने वाला है। 1 kg का वेट कितना है, 10 N। इस वजह से ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। नेट फोर्स निकालते वक्त 6 kg का कुछ भी रोल नहीं रहेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन एफ नेट बाय टोटल मास होगा। तो एफ नेट का वैल्यू आपको पता है 30 - 10 रहेगा, और टोटल मास 6 + 3 + 1 मतलब भी 10 kg आएगा। तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 10, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 m/s². ओके, इज इट ओके? कुछ दिक्कत अब? तो देखो स्टूडेंट, मतलब ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत कुछ दिखने वाले हैं। ओके, और पढ़ाई करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको विद इन हाफ मिनट आपके क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन का इतना प्रैक्टिस करना कि इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, टाइम कंज्यूम करना है। ठीक है, मतलब सिर्फ सॉल्व नहीं करना है इनको, बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है। बाकी के स्टूडेंट्स में और हमारे स्टूडेंट, मतलब हमें वही फर्क होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से सॉल्व करने वाले हो, और इसमें से जो बचने वाला टाइम है वो आपको हार्ड क्वेश्चन को यूटिलाइज करना है, तभी आपका फाइनल एग्जाम में स्कोर अच्छे से अच्छा आएगा। इज इट ओके? मतलब ये ऐसे जनरल क्वेश्चन होते हैं ना, इसका आंसर आपका भी आने वाला है और एक नॉर्मल स्टूडेंट का भी आने वाला है। फर्क क्या रहेगा, टाइम का। ओके, आंसर तो सभी लाने वाले, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करना है कि टाइम बचाने के चक्कर में आप आंसर गलत कर दो। एक्यूरेसी 100% रखने के बाद ही आपको टाइम के बारे में सोचना है, वरना बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है अभी, मतलब कैसा, अभी एक बहुत ज़्यादा टाइम हमने मतलब लेक्चर में ले रहा हूँ और आप भी देख रहे हो, मतलब समझ रहे हो। तो अभी ये ऐसा स्टेज है कि जिस स्टेज में आप खुद का इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ओके, अलग अलग फैक्टर्स में इंप्रूवमेंट करो। क्वांटिटी एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है। आप आंसर तो लाओगे, मतलब इसका आंसर आप भी लाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट लाएंगे, लेकिन आप में फर्क क्या रहेगा, आपको ऐसे सवालों के जवाब बहुत ही जल्दी निकालना है, जितना हो सके उतना टाइम आपको कम कंज्यूम करना है। ओके, विद एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी रखने के बाद फिर आपको टाइम के बारे में सोचना है, और फिर मतलब ये सिंपल भी क्वेश्चन रहे ना तो इसमें टाइम ज्यादा नहीं देना है। ओके, तुरंत मतलब ये आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है अभी आपको, मतलब बहुत ज्यादा
मतलब प्रैक्टिस अगर हो जाए तो ये मन में ही रखना फॉर्मूला, ओके वहां पर लिखना सिर्फ इतना ही, और डायरेक्ट ओरली भी अगर आंसर आता है तो ओरली भी लिख डालना, ओके मतलब विदाउट एनी राइटअप अगर आप आंसर दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात, इससे आपका रफ वर्क का जो स्पेस है वो भी बच जाएगा और वो आप ऐसे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हो जिस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इज इट ओके? तो ये भी अभी मैटर मतलब आप दिमाग में रखिएगा कि आपको टाइम के बारे में भी सोचना है, ओके सिर्फ अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को, अभी कम टाइम में अगर सॉल्व करोगे तो और भी अच्छा होगा, ओके और एक क्वेश्चन लेते हैं हम ब्लॉक सिस्टम का इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और फिर इसके बाद फिर हम लगा तो न्यू सेक्शन स्टार्ट करते हैं मतलब इस टॉपिक का, और भी इसके ऊपर मतलब प्रैक्टिस रहेगा, टॉपिक खत्म होने के बाद हम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लेवल में हम कुछ गिने चुने क्वेश्चन देख रहे हैं अलग अलग वैरायटीज के। ये दो तरफ से इंक्लाइंड सरफेस है, ऐसा केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है वहां पर मैंने दो ब्लॉक के लिए बताया होगा, ये थ्री ब्लॉक्स है बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, ए बी सी 1 kg 3 kg एंड ये 1 kg है, ये 3 kg है एंड ये 2 kg है। चलो फटाफट सॉल्व करो, ए बी सी आर 1 kg 3 kg एंड 2 kg, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है आपको, रस्सी के बीच का टेंशन निकालना है, ये टेंशन निकालना है आपको यहां पर, और एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम का, पहले एक्सेलरेशन निकलेगा बाद में टेंशन निकालो, ठीक है थोड़ा आंसर इसका फ्रैक्शन में, डरना नहीं है धीरे धीरे करना है आ जाएंगे आंसर। इंक्लाइंड है रिजोल्यूशन करो फटाफट और आंसर निकालो, सिस्टम कहां पर जाएगा सोचो, उसके अकॉर्डिंग एफबीडीज लगाओ और टेंशन निकालो। पहले एक्सेलरेशन निकालो, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, अभी टेंशन के बारे में सोचो, सभी टेंशन निकालने की कोशिश करो, राइट आंसर है प्रीति आपका भी, वेरी गुड। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कैलकुलेशन, टेंशन निकालो, सभी ब्लॉक्स के बीच का टेंशन निकालने की कोशिश करो, यहां पर टेंशन बिटवीन ए एंड बी भी निकलेगा और टेंशन बिटवीन मतलब वो जो सी और पुली सिस्टम है उसके बीच का भी टेंशन निकलेगा, ओके ठीक है बराबर स्नेहल आपका आंसर, थोड़ा फ्रैक्शन मतलब कम हुआ है, इसका राइट आंसर 4.1 है, ठीक है 4 भी चलेगा, सी तो यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, जैसे एक का ही रिजोल्यूशन करके दिखाता हूं मैं, सी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा 20 न्यूटन, लेकिन इसका ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा ओके इस साइड का जो थीटा है ना वो 30 डिग्री है, तो इस वजह से ये 30 ये साइन वाला रहेगा, ये कॉस वाला रहेगा, ओके इनके भी ये कॉस वाले रहने वाले यहाँ के कॉम्पोनेंट्स, और यहाँ के जो कॉम्पोनेंट्स है ओके ए के और बी के वो साइन थीटा के रहने वाले हैं, तो ये आएंगा 20 ये 20 यहाँ पर 30 डिग्री इंक्लिनेशन है, तो 20 साइन 30 ये आएगा इस साइड का फोर्स, और इस साइड का आने वाला है 1 kg मतलब 10, सो 10 साइन 60 प्लस मतलब क्या आएगा फिर देखिएगा, 10 साइन 60 प्लस 30 साइन 60 ओके ऐसा आएगा, ठीक है देखते हैं हम आंसर क्या रहेगा, ओके तो आप देखिएगा 10 साइन 60 मतलब साइन 60 आपको पता है √3/2 रहेगा, तो इन दोनों का भी एडिशन करना पड़ेगा हमें,
तब जाकर मतलब फाइनल रिजल्टेंट फोर्स मिलने वाला है। तो देखिएगा ए नेट का वैल्यू क्या आएगा, 10 sin 60 प्लस 30 sin 60 माइनस 20 sin 60 रहेगा, 30 रहेगा सॉरी, ओके। और डिवाइडेड बाय तीनों के मास 1 + 3 + 2, ओके, मतलब 6 आएगा नीचे, और ऊपर कितना आने वाला है फिर देखिएगा, 10 sin 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, ओके। तो √3/2 को है ना आप इसका वैल्यू याद रखना, 1.732 होता है ये, डिवाइडेड बाय 2 करते तो 0.8660 बचता है, 0.8660, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.66 आएगा। तो इस वजह से पहला फ्रैक्शन आएगा 8.66 प्लस 30 sin 60, तो साइन 60 अगेन 8.66 आएगा, उसे अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फाइनली 20 sin 30 है, तो साइन 30 मतलब ये 10 रहेगा, इज इट ओके। और फिर ये 8.66 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रहेगा वो बीच वाला आंसर रहेगा, तो इंटू 3 तो 25.98, मतलब इसे अप्रोक्सीमेटली 26 ले लो, तो 26 प्लस 8 34.66 होगा ये, 34.66 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 24.6 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, तो फाइनल आंसर आने वाला इसका 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज इट ओके। तो ये आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आने के बाद फिर टेंशन निकालना इजी है। आपको पता होगा ये जो ब्लॉक है 2 kg का, इसके बीच में और पुली सिस्टम के बीच में हम टेंशन T1 लेते हैं, तो उसका भी आंसर देखते हैं हम, ओके, राइट होगा आपका आंसर, एक बार मैं वेरीफाई करता हूँ, करो आप T1 मतलब मुझे अब FBD निकालना पड़ेगा C का। अभी देखिएगा ये जो ब्लॉक है हमारा 2 kg का, ये ऊपर जाएगा और ये दो ब्लॉक होने के कारण ये नीचे जाने वाले हैं, तो T1 का वैल्यू बढ़ाएं, सो T1 माइनस 20 sin 30, मतलब ये उसका आंसर कितना था हमारा, 10 था, सो T1 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 × A था, A का वैल्यू 4.1, तो ये आएगा 8.2 इज इक्वल टू माइनस 10, और T1 का वैल्यू फिर मिलेगा हमें, ये आसान था, 10 प्लस 8.2 दैट इज 18.2 न्यूटन, इज इट ओके। तो टेंशन हमें कितना मिला, 18.2 न्यूटन, ओके, T1 का मतलब C और पुली सिस्टम के बीच का वो टेंशन था। अभी A और B के बीच का टेंशन निकालना है हमें, तो A और B के बीच का टेंशन निकालने के लिए हम A का FBD निकालते हैं, तो A का FBD निकालेंगे तो वो जो टेंशन रहेगा T2, इसको हम T2 नाम दे देते हैं, तो ये T2 उस साइड रहेगा और नीचे के डायरेक्शन में मोशन है, इस वजह से ये जो फोर्स है नीचे के डायरेक्शन का ये ज़्यादा रहेगा, ओके। और A को ही रिजोल्यूशन करना पड़ेगा हमें, A के रिजोल्यूशन करते वक्त हमें B के कॉम्पोनेंट को लेना है या नहीं लेना है, देखिएगा तो A का मास कितना है, मतलब 10 न्यूटन वेट है, A का ही अगर हम FBD निकालते हैं तो फिर आप देखिएगा इसके ऊपर मतलब जितने भी लगने वाले फोर्स हैं ये सभी हमें मतलब दिखाने पड़ेंगे वहाँ पर। तो देखिएगा आप T2 कम है और ये जो 10 sin 60 है ये ज़्यादा है, तो 10 sin 60 मतलब ये 8.66 होगा, तो 8.66 माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, 1 × A मतलब ये 4.1, ओके, ऐसा आएगा, तो ये 4.1 उधर जाके माइनस होगा, तो T2 का वैल्यू आने वाला है देखिएगा 8.66 माइनस 4.1, तो ये करेंगे तो हम कितना होगा वो 4.56, इज इट ओके, तो ये होगा T2 का वैल्यू, इज इट ओके। सभी आंसर समझ में आ गए, इसमें सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट कॉम्प्लेक्स था, बाकी कुछ भी नहीं था, इज इट ओके। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस टाइप के सिस्टम का जो बीट था ये मैंने पहले ही लिया था आपका, ओके। तो मीटिंग को थोड़ा कम टाइम बाकी है, तो बेटर वे न्यू सेक्शन स्टार्ट, मतलब न्यू मीटिंग में करना पड़ेगा, तो बेटर वे उसके पहले अगर कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है। अब लास्ट वैरायटी है, मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ और लेने की जरूरत है, और दो डायग्राम्स है, इन दो डायग्राम्स में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, इसे फटाफट निकालो, इसका आंसर दोनों का भी 1 मिनट के पहले निकल जाना चाहिए।
और भी कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इसके रहेंगे, वो लगा तो हम टॉपिक के बाद लेंगे, मतलब जितने चाहे उतने क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। निकालो आप एक्सेलरेशन, ये पहला केस है और ये बी केस रहेगा। Find the acceleration in both the cases. In terms of g निकालना है आपको आंसर, ओके? आंसर आपको in terms of g निकालना है। Exactly ये b केस है और ये a केस है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ अब। पहले a केस का ऑप्शन नजर आएगा, बाद में b केस का, ओके? पहला ऑप्शन है g and 5/9g। दूसरा ऑप्शन है 4/9g। 4/9g एंड 1/9g। सी ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी ऑप्शन है, g/5 एंड g/5 दोनों का भी। और डी ऑप्शन है 5/9g एंड 1/9g। चलो बताओ अब राइट आंसर क्या रहेगा। बी, ठीक है चलेगा, देखते हैं हम। सभी स्टूडेंट आंसर निकालो। ठीक है चलेगा। अब देखिएगा, अब मोस्टली स्टूडेंट का बी आ गया। अभी देखो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। ए ये पहला केस है, बी ये बाद में केस है। तो पहला केस अगर मैच हुआ ना तो वही छोड़ दो आंसर, दूसरे केस का निकालो भी मत, क्योंकि पहले केस के सभी के ऑप्शन अलग अलग है, सेम आते तो फिर कंफ्यूजन होता, वरना खामोखा आपको फाइनल आंसर आपको पता चल गया कि आप कौन सा ऑप्शन है, लेकिन खामोखा अगर आप दूसरे का निकालते बैठोगे तो कोई आपको अवार्ड नहीं देने वाला है। इज इट ओके? आपको सिर्फ चार ऑप्शन में से क्लासिफाई करना है, तो एक डायग्राम के निकालो बस हो गया, इस डायग्राम की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं आपको। समझ में आ रहा है? ओके, अगर ऐसा होता ना कि एक ही ऑप्शन अगर फर्स्ट ऑप्शन में नजर आता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता। यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। ये 40 न्यूटन है, ओके? और ये जैसे, और इन टर्म्स ऑफ जी निकालना है तो ये 4g होगा, ओके? 4g इतने वेट से नीचे जाने वाला है, और टोटल मास कितना है? 4+5 = 9 है, तो 4/9g ऐसा मैच करने वाला एक ही ऑप्शन है, ओके? पहले डायग्राम का दूसरा कोई है ही नहीं, इस वजह से बस यही फाइनल आंसर रहेगा। इज इट ओके? कुछ दिक्कत आप दूसरी तरफ निकालने की जरूरत भी नहीं है, दूसरा निकाल के देखो एग्जैक्टली मैच होगा, g/9 आएगा, ओके? वहां पर मतलब क्या होगा, 5g - 4g, मतलब जी बचेगा ऊपर और नीचे आएगा 5+4 = 9। इज इट ओके? तो ऐसे स्पीड से आपको आंसर निकालने हैं। इज इट ओके? तो अभी मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, फिर से वापस आ जाओ, नेक्स्ट बिट हम इस टॉपिक का लेते हैं, ओके?